हेलो स्टूडेंट्स, चलो तो आज अब ये जो वीडियो होगी ये पूरी की पूरी कंप्लीट टेंस की होगी। ओके, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि पूरे का पूरा टेंस मैं बताऊँगा। ठीक है, टेंस को एकदम पूरा ध्यान से समझना और पूरे को याद करते चलना। ओके, तो ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी पूरी टेंस की। ठीक है, इसमें एकदम पूरा का पूरा कंप्लीटली याद कर लेना है। ठीक है, ये अब जितने टाइम की होगी पूरे देखते चलो और आराम से पूरा का पूरा याद कर लेना। ओके, याद हो जाना चाहिए सबको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। अगर नहीं एक बार वीडियो देख रहे हो, नहीं याद हो रहा है, तो एक से दो बार देख लेना जरूर। ठीक है, एक बार और देख लेना, वीडियो कम्प्लीटली याद हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं शाम को कम्प्लीट मैं पूछूंगा सबसे। ओके, चलो अभी देखो फिलहाल हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टेंस तो मैं पूरा बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ एक बार और पूरा। ठीक है, टेंस टेंस कितना होता है, टेंस तीन होता है। ठीक है, टेंस तीन होता है। एक बार मैं रिवीजन पूरा करा दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं चार्ट में फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेंस कितना होता है दिख रहा है, टेंस तीन होता है। कौन कौन सा, प्रेजेंट टेंस, PRESENT प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यहाँ टेंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस, और एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। क्या, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये तीनों जो टेंस है ना, ये तीनों टेंस जो है, इन तीनों के जो है चार चार प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने याद करा रखा है। ठीक है, इन तीनों के क्या होते हैं, चार चार प्रकार होते हैं। अब चार चार जो प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं उनको मैं बताता हूँ। ठीक है, इन तीनों के जो है कितने प्रकार, चार प्रकार। ठीक है, यहां समझ लेना। देखो यहां पे और ये यहां पे चार, कौन कौन से, पहला होता है इनडेफिनिट। क्या, इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट, और दूसरा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, एंड जो तीसरा होता है वो होता है परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। और जो चौथा होता है वो क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, FECT कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस। ठीक है, ध्यान रखना है, ये दिख रहा ना सही से। ठीक है, क्या है कि टेंस, टेंस कितने, तीन टेंस होते हैं। तीनों टेंस के कितने प्रकार, चार चार प्रकार। कौन कौन से, प्रेजेंट, जो है कि टेंस कितने, तीन होते हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके जो है कि चार प्रकार। कौन कौन से, इंडेफिनिट, एंड उसके बाद से कंटिन्यूअस, उसके बाद से परफेक्ट, और उसके बाद से क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इन सभी का मैंने पहचान भी जो है कि चार्ट में लिखवा रखा है, वो चार्ट आप लिखे ही हो, अगर नहीं लिखे तो मैं अभी बता रहा हूँ, फिर उसे लिख लेना। ठीक है, अच्छे से नोट करते चलना। चलो अब देखो, ये समझ में आ गया इतना ना, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो ये जो होता है, बस इतना मेन था। ठीक है, अब इसको मैं चार्ट के माध्यम से पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, बस बने रहो। चलो देखो, यहां मैं चार्ट बना रहा हूं पूरा। PRESENT प्रेजेंट। ठीक है, ये हो जाएगा पास्ट, और ये हो जाएगा फ्यूचर। ठीक है, FUTURE। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इनडेफिनिट, ठीक है, डेफिनिट, और यहाँ पे क्या, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और यहाँ पे परफेक्ट, परफेक्ट, और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, इतना चीज़ दिख रहा है पूरा अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने लिखवा रखा है सभी चीज़ें, उसको फिर मैं पूरा लिखवा देता हूँ एक बार और। यहाँ पे, यहाँ पे क्या आता है, इसके देखो, ये मैं लिखवा रहा हूँ जो वो क्या चीज़ है,
इससे मैं यहाँ पे हिंदी लिखने वाला हूँ, मतलब जैसे कि कोई भी टेंस होता है, मानो कुछ भी हम जो बोलते हैं ठीक है, उसे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है ठीक है। तो ये पहचानने के लिए देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो कुछ मैं पहले बता रखा हूँ उसको मैं फिर रिविजन कराता हूँ। प्रजेंट, प्रजेंट से क्या पता चलता है कि ये जो है इस समय जो प्रजेंट टाइम में चल रहा है, जो काम हो रही है प्रजेंट टाइम में, एकदम मतलब प्रजेंट टाइम में जो चल रहा है वो क्या होता है, हमारा प्रजेंट होता है, मतलब फिलहाल में जो चल रहा है वो क्या होता है, प्रजेंट हो जाता है। और जो हम कर चुके हैं जो काम ठीक है, मतलब पहले हम बीता वो खत्म हो चुका है, वो क्या हो जाता है, पास्ट में चला जाता है। और जो हम करने वाले हैं, मतलब जो आने वाला है, वो क्या किस में आता है, फ्यूचर में आता है ठीक है। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर समझ में आ गया। अब देखो इंडेफिनिट क्या दर्शाता है, इंडेफिनिट मतलब इंडेफिनिट दर्शाता है कि अभी जो है कि वो जो है प्रॉपर इंडेफिनिट मतलब वो हमेशा करता है ठीक है, कोई चीज़ कर किया जाता है, हमेशा किया जाता है उसी दर्शाता है। और जो कंटिन्यूअस होता है वो क्या करता है कि कंटिन्यूअस बताता है कि कंटिन्यूसली हो रहा है ठीक है, अभी अभी कंटिन्यूस है, मतलब वो क्या हो रहा है, चल रहा है, अभी वो काम हो रहा है, अभी वो रुका नहीं है, जो है कि रुका नहीं है या फिर कुछ भी स्टार्ट ऐसा कुछ नहीं बताता है, बट वो बताता है ये चीज़ बताता है कि अभी हो रहा है। समझ रहे बात को, मतलब मानो कि क्या कर रहे हो, तुम खाना खा रहे हो ठीक है, तो अभी खा रहे हो ना, अभी अभी बंद तो नहीं किया खाना ना ठीक है, चलो स्टार्ट कर चुके हो और रुके भी नहीं हो, तो वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस में आता है। परफेक्ट, अब परफेक्ट ये हो गया कि मतलब क्या कर लिए, तुम खाना खा लिए, जब जब खाना खाओ लोगे तो क्या होगा, खाना खा लेने की बात होगी, वो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें परफेक्ट में चल जाएगा, मतलब खाना खा चुके हो ठीक है। अब देखो अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, अगर कह दिया जाएगा कि वो 1 घंटे से क्या कर रहा है, खाना खाए जा रहा है, मतलब खाना खा रहा है ठीक है, तो रहा है इसमें भी आता है, लेकिन क्या होता है कि समय की बात हुई रहती है ठीक है, तो वो चीज़ दिया रहेगा इसमें। समझ में आ गया बात ठीक है, इसको फिर मैं लिखवाता हूँ पूरा। यहाँ प्रेजेंट में क्या आता है, लास्ट में अंत में आएगा, ये जितने भी शब्द मैं हिंदी लिखवाता हूँ ये अंत में आने का बात करता है ठीक है, मतलब अंत में क्या आएगा, है आएगा, क्या आएगा, है आएगा और हो आएगा ओके, ये चीज आएगा इसके अंत में, प्रेजेंट में आएगा ये बात। पास्ट में क्या आता है, था आता है, थी आता है और एक थे आता है ठीक है, था थे थी भी बोल सकते हो, था थे थी सिंपल बनता है बोलना ठीक है। अभी को फ्यूचर में क्या हो जाता है, गा शब्द आता है लास्ट में, गा गे और गी आता है ओके, ये दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा होगा, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना ठीक है, एचडी क्वालिटी में कर लोगे, मतलब 720p करता है, पिक्सल रहता है जो, ये कर लोगे तो और बेटर रहेगा। अगर ये नहीं चल पा रहा तो इससे नीचे वाली एक होती है 360p या फिर वीडियो की एक क्वालिटी में बता रहा हूँ, 480 होता है एक ठीक है, 480p होता है, इसमें से कोई चला लोगे तो अच्छे से दिखाई देगा ठीक है। चलो अब देखो ये जो अभी आवाज़ वो साइलेंट शायद है ठीक है, वो जो आवाज़ कर रहा था मोटर तरीके का। अब देखो यहाँ इंडेफिनिट में क्या आता है, अंत में ता आता है, मतलब वो हमेशा किया जाता है ठीक है, ता ते ती ठीक है, ता ते ती आता है ठीक है। अब देखो इसमें कंटिन्यूअस में क्या आता है, रहा, रही, रहे ओके, रहा रही रहे आता है। परफेक्ट में क्या आ जाता है, परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके ठीक है, चुका चुकी चुके, समझ आ गया। इसमें क्या आएगा, फिर वही चीज, रहा ठीक है, रही, रहा रही रहे, ये दिख रहा है ना, ये शायद नीचे पड़ जा रहा है, ये दिखने में दिख तो रहा है यार, लेकिन और चीज़ें थोड़ा दिखने में दिक्कत होगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा पूरा हटा दूँ इसी में। अब देखो ये समझ में आ गया ना, इसमें क्या आया, इसमें क्या आया, इसमें क्या, इससे समझ में आ गया ना। अब इसी का जब हम मिक्सअप करेंगे पूरा, जब हम इसे मिलाएंगे, मतलब ये देखो प्रजेंट इंडेफिनिट, अब जो ये देखो इस प्रजेंट और इंडेफिनिट, प्रजेंट के भी सामने पढ़े और इंडेफिनिट के भी सामने, ये खंड पढ़ रहा ना, यही वाला तो पढ़ रहा ना, अब इसमें हम भरेंगे इन दोनों, मतलब प्रजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम भरेंगे ठीक है, प्रजेंट इंडेफिनिट के बारे में, तो प्रजेंट इंडेफिनिट के बारे में भरेंगे। तो प्रजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा अंत में, अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, हम लोग खाना खाते हैं
ठीक है, हम लोग अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है, इस तरह का शब्द रहेंगे, ये समझते चलना, ठीक है। अब देखो इसमें मत देखो, सबसे आसान याद करने का तरीका जो है ना, पहले एक बार पूरे के हिंदी याद कर लो, किसमें क्या हिंदी आता है समझ करके, याद नहीं कर, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे यार भूल जाएगा सब, ठीक है, रटना नहीं है, रट्टा मार के गट्टा तक नहीं पहुंचाना, ठीक है, क्या करना, इसे समझना है कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब पास्ट में क्या हो जाएगा, देखो पास्ट में याद है था थे थी, देखो ये साइड साइड वाला जितना याद कर लोगे ना तो ये पूरा लगभग याद हो जाएगा, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी जो कि प्रॉब्लम जो है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, उसको थोड़ा सा जब ध्यान दे दोगे तो वो भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है। देखो यहाँ पास्ट और इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के सामने, देखो पास्ट के भी सामने और इंडेफिनिट के सामने पढ़ रही है क्या ये वाली खंड, तो इस ये जो खंड पढ़ रही है इसमें हम करेंगे, तो इसमें जब हम भरेंगे तो क्या भरेंगे, ता था ताथा तिथि, वह खाती थी, वह जाती थी, वह रोती थी, ऐसे करके रहेगा, ठीक है, ताथा तिथि ते थे, समझ आएगा। अब एक चीज और याद इसमें करना है, या था इथी, वह मेरी चॉकलेट खाई थी, ठीक है, खाई थी, ऐसे करके रहेगा, इथी ए थे ए थे, ठीक है, ए थे, समझ में आ गया, या था ए थी ए थे। और एक और आ सकता है, उसने ऐसे ही रहेगा, उसने मेरा जो कि चॉकलेट खाया, उसने मेरा चॉकलेट खाया, ठीक है, ऐसे भी रहेगा, तो या यही सिंपल रहेगा, तो या ये ई, ठीक है, ये भी आ सकता है, ठीक है। और ये देखो या ये की जगह पर ना ये भी आ सकता है, आ ए, ओ सॉरी, आ ए, ये ए या ए दोनों हो सकता है, ए ई, ये भी हो सकता है, या ए ई, समझ रहे हो ना, ये पूरा याद कर लेना, यही है थोड़ा सा जो कि थोड़ा सा ज़्यादा वाला है। और ये तो सिंपल, देखो ता होगा ता होगा ता होगा, ती होगी होगी, ते होंगे ते होंगे, ठीक है, या फिर क्या आएगा, गा गे गी, ठीक है, गा गे गी, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, इतना तो समझ में आ गया ये तीनों ना, फिर आगे बढ़ो। अब आओगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जब प्रेजेंट और कंटिन्यूअस में आओगे तो क्या आएगा, प्रेजेंट में है आएगा और कंटिन्यूअस में रहा, तो रहा क्या हो जाएगा, रहा है, ऐसे आएगा ना, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। और देखो अब आओगे पास्ट कंटिन्यूअस में तो क्या आ जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ोगे उसमें फ्यूचर में, रहा होगा चाहे रहेगा, ऐसे भी हो सकता है, बता रहे हैं सब, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, ठीक है, रहे होंगे, वे लोग खा रहे होंगे, ठीक है, वे लोग नहा रहे होंगे, ठीक है, रहे होंगे। देखो मैं एक एक जो है एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ जिससे कि तुम्हें ये माइंड में सेटअप हो जाए, ठीक है, होंगे, ठीक है, रहे होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, रहेगा, रहेगा, कभी, ठीक है, फिलहाल चलो आगे देखो, ये समझ आ गया, इतना आया ना समझ। अब देखो आगे पूरा तो विजुअल हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, परफेक्ट बोल रहा है, ठीक है, अब परफेक्ट में आएंगे तो परफेक्ट में क्या हो जाएगा, परफेक्ट देखो प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, क्या चुका है, चुके
चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, ठीक है, चुके हैं। आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, चुका था। ये देखो एक चीज़ और इसमें भी, एक चीज़ इसमें और आएगा, ठीक है, या है। देखो इसमें, इसमें देखो सिंपल क्या आएगा, या ये ई आएगा, ठीक है, या ई आएगा, लेकिन या है आ जाएगा, या है, ठीक है, ई है, ठीक है, ये हैं, ये हैं। जब ये आ जाएगा ना, तो क्या समझना है कि हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, अब देखो इसमें, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब देखो आगे बढ़ोगे तो इसमें आ जाएगा फ्यूचर में, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, ठीक है, चुके होंगे, ये सब पूरा हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ोगे फिर, अब आगे बढ़ोगे ये तो पूरा समझ में आ गया, तीनों समझ में आ गया। अब बढ़ोगे आगे तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस है, इसमें सेम जो है यही कंटिन्यूअस वाला सब चीज रहता है, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, देखो ये दिया रहेगा। लेकिन लेकिन एक अंतर इसमें होता है, क्या होता है अंतर, अंतर बस इसमें यही होता है कि इसमें समय की बात कर दिया रहेगा, मतलब उसमें टाइम बता दिया रहेगा, इतने समय से, उतने समय से, इतने सालों से, इतने टाइम की बात कर देगा, ठीक है। और इसमें क्या करेगा, इस वाले में क्या कर रहा है, सिंपल सिंपल बात कर दे रहा है, कंटिन्यूअस, मतलब उस समय चल रहा है, ठीक है, ये तो चल रहा था, ठीक है, ये चल रहा है लेकिन समय से, कुछ समय से चल रहा है, ठीक है, और ये क्या है, सिंपली चल रहा है, ठीक है, इसमें समय से चल रहा है, ये सिंपली चल रहा है, बस ये दो चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसे मैं बता लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें भी रहा रहे, रहा है, यार वही उतार लेते, चलो फिर भी लिखना पड़ेगा मुझे यार, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ठीक है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। और इसमें हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो इसे, अब इतना याद कर लो, ठीक है, एक बार इसे जो है कि स्क्रीनशॉट तो मत करो, बट लिखे तो है ही तुम लोग पूरा, ठीक है। अब देखो यहाँ फिलहाल देखो पूरा एक बार, पूरा सब लोग ध्यान दो, क्या प्रेजेंट में क्या आता है, क्या है हो, पास्ट में था थे थी, फ्यूचर में गागेगी, अंत में आएगा, इंडेफिनिट में ताते थी, कंटिन्यूअस में रहा रही रहे, परफेक्ट में चुका चुकी चुके, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहा रही रहे। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, क्या समय दे देगा, ठीक है, क्या दे देगा, समय देगा, टाइम की बात करेगा, टाइम, टाइम यहाँ मैं लिख रहा हूँ, टाइम की बात करेगा, टाइम की बात करेगा इसमें, ठीक है, TIME, टाइम की बात करेगा, ठीक है, समझ में आएगा, टाइम की बात करेगा, टाइम से ये याद तो रहेगा ना, टाइम से ध्यान रहेगा ना, टाइम की बात करेगा मतलब समय दिया रहेगा, यहाँ तो लिखवाया हूँ मैं ना पूरा, इसमें पूरा बड़ा से लिखवाया हूँ, समय दिया रहता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखना है इसलिए मैं इसे पूरा भर नहीं रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात लिख दिया मैं, टाइम दिया रहेगा, ठीक है, माइंड में ये पूरा सेट होना चाहिए पूरा ये टेबल, ठीक है। देखो यहाँ आप समझो, ये समझ में आ गया। अब इसमें हम जो है इसके रूल को जानते हैं, इसमें जो है कि दो चीज़ जानना सबसे जरूरी है, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होता है, और क्या
वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग होता है। देखो तो सबसे पहले एक ये चीज पूरा देख लिए ना, एक बार ये याद कर लिए ठीक है। अब तुम्हें याद करना है कि किसमें जो है कि कौन सा वर्ब का फॉर्म जो है कि प्रयोग होगा ठीक है। देखो ये पहला है, मतलब ये पहले नंबर का है ना, इंडेफिनिट तो पहला है ना, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है ठीक है। देखो इंडेफिनिट है ना, ये पहला है ना, इसमें वर्ब का पहला, सबसे पहले मार दो सब में वर्ब का पहला, सबसे इसमें मार दो वर्ब का पहला ठीक है, वर्ब का पहला ठीक है, वर्ब का पहला ठीक है। अभी देखो अभी कुछ मैं चेंजिंग कराऊंगा, ध्यान रखना, अभी याद नहीं करना तुम्हें, सिंपल सी मैं भरवा रहा हूँ, ऐसे याद करने के मैं तरीका बता रहा हूँ ठीक है। अब देखो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या मारना है, कंटिन्यूअस ये कौन सा नंबर का है, दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का, ये दूसरे नंबर का है ना, तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा को ध्यान रखना, ये कौन सा वर्ब का चौथा फॉर्म लेगा, मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म कौन सा होता है, आई एन जी फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म को क्या बोलते हैं, आई एन जी फॉर्म को ही वर्ब का चौथा फॉर्म बोलते हैं ठीक है। तो दूसरा और चौथा क्या होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, और इसमें भी वर्ब का चौथा फॉर्म ठीक है। आगे बढ़ो, परफेक्ट में क्या हो जाएगा, वर्ब का, अब देखो ये तीसरे नंबर का है ना, ये तीसरा, तीसरा चेंज कौन सा, देखो ये वाला वर्ब का चौथा और ये वाला भी वर्ब का चौथा, तो वर्ब का चौथा इसमें भी भर दो, वर्ब का यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ दिखेगा, टाइम के नीचे लिख रहा हूँ, वर्ब का चौथा, वर्ब का चौथा, और यहाँ पर भी क्या, वर्ब का चौथा ठीक है। मतलब ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेगा, ये वाला और ये वाला, समझ आ गया ना, वर्ब का चौथा इसमें इसमें भराएगा पूरा पूरा ठीक है। इसमें क्या होगा, ये तीसरे नंबर का है तो वर्ब का तीसरा लेगा, वर्ब का तीसरा, वर्ब का तीसरा, वर्ब का तीसरा ठीक है, समझ आ गया ना। दूसरा और चौथा कौन सा लेगा, वर्ब का चौथा फॉर्म लेगा, दूसरा और चौथा कौन सा वर्ब का फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, बोलो साथ में, दूसरा और चौथा वर्ब का चौथा फॉर्म, दूसरा में और चौथा मिलके वर्ब का चौथा फॉर्म, पहला देखो तीसरा है, तीसरा में वर्ब का तीसरा फॉर्म, तीसरा में मतलब परफेक्ट में, परफेक्ट में कौन सा परफेक्ट, कोई भी सभी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, परफेक्ट है तो उस वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना ओके। एंड जब कंटिन्यूअस में रहोगे, कंटिन्यूअस मतलब दूसरा नंबर का है, कंटिन्यूअस जब कंटिन्यूअस क्या है, दूसरा फॉर्म, दूसरा दूसरे नंबर का ठीक है, जब कंटिन्यूअस क्या है, दूसरे नंबर का है, और इसमें क्या आता है, रहा रही रहे आता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चौथे नंबर का, इसमें भी रहा रही रहे आता है, तो जिसमें रहा रही रहे आता है उसमें कौन सा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, जब मैं बोल रहा हूँ रिपीट करना हो तो रिपीट करते चलो साथ में, क्लियर। अब चलो ये समझ में आ गया बात, अब देखो ये इतना समझ में आ गया ना, ये अब देखो, अब ये जो है ना पहला नंबर वाला, पहला वाला में तो लगभग सब में जो है कि पहला फॉर्म ही लगना चाहिए, लेकिन एक जो है ना इन तीनों से ये अलग है, ये जो है ना ये वाला, ये देखो जैसे कि होता है ना, देखो क्या होता है कि मानो तीन दोस्त होते हैं, तीन चार दोस्त रहते हैं ना, तीन चार दोस्त, तो तीनों दोस्त ये मानो जैसे क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तीनों दोस्त हैं ठीक है, तीनों दोस्त हैं इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट वाले दोस्त हैं, लेकिन एक ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट है, ये इतना गधा है, ये कहता है मैं जो है कि क्या है, प्रेजेंट वाले और फ्यूचर वाले की तरह मैं नहीं रहूंगा ठीक है, इन सबों को जैसे मैं नहीं रहूंगा, इन सबों के साथ मैं नहीं रहूंगा, ये अलग ही अपना नियम लगाता है, कौन सा नियम लगाता है, अपना अलग ही नियम लगाता है, ये अपना दूसरा नियम लगाता है, पूरे टेंस में एक ऐसा अलग, यही एक ऐसा है जो बंदा जो अपना अलग नियम लगाता है ठीक है ना, कौन सा है, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, याद कर लो इसे एकदम दिमाग में सेट कर लो। देखो सबसे ज्यादा नियम ले रहा कि नहीं, सबसे ज्यादा है कि नहीं है इसमें नियम ठीक है, सबसे ज्यादा तरीका भी इसके है अलग, और सबसे अलग नियम ये लगाता है, तो सबसे गधा लड़का कौन, पास्ट इंडेफिनिट, सबसे गधा वाला लड़का कौन है जो इन सभी से अलग रहना चाहता है, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट है, जो वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है, सेकेंड फॉर्म लेता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेता है, और सबसे ज्यादा नियम भी लगाता है ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अब इसे याद रखना, अब आ जाओ ये वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म, समझ में आ गया बात। अब चलो अब जो है ये पूरा वर्ब याद हो गया ना, वर्ब किस में कौन सा लगता है, प्रेजेंट, अगर मैं पूछ दूं, सपोज मैं पूछ दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो फोर्थ फॉर्म, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कह दें तब भी फोर्थ फॉर्म, अगर प्रेजेंट परफेक्ट केवल कह दें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, समझ में आ गया, अगर हम पास्ट परफेक्ट कह दें तो वर्ब का थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट कह दें तो वर्ब का थर्ड, अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कह दें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कह दें तब भी जो है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना होगा, क्योंकि वो फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, कोई सा भी क्या होगा, कंटिन्यूअस है तो फोर्थ फॉर्म लेगा
ठीक है, समझ में आ गया। अगर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लेगा, बात समझ में आया, बात समझ में आया। परफेक्ट, परफेक्ट कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का। परफेक्ट है तो तीसरे नंबर का है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट तीसरे नंबर का, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस दूसरे नंबर का, और परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथे नंबर का। ये कौन सा फॉर्म लेगा, चौथा फॉर्म लेगा, क्योंकि इसके लास्ट में रहा, रही, रहे आता है। ठीक है, इन दोनों के लास्ट में क्या आता है, रहा, रही, रहे आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म लेगा। और इन पूरे टेंस में सबसे बदतमीज और सबसे जो है कि नखादा लड़का, सबसे अलग जो नियम अपना लागू करता है, वो कौन सा लड़का है, कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट है। कौन सा, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। ये क्या करता है, सबसे ज्यादा और सबसे अलग अपना नियम लगाता है। कौन सा नियम लगाता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाता है, और उसके लास्ट में क्या क्या आता है, तथा तिथि ते थे, या था इथि ये थे, या ये ही। ओके, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलो ये पूरा समझ में आ गया ना, इतना। अब इसमें हम जानेंगे कौन से जो है कि हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होते हैं। हमने तो ये वर्ब जान लिया, वर्ब जान लिया। ठीक है, देखो तीन टॉपिक ही मेन है इसमें। क्या लास्ट में क्या आता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, कौन सा वर्ब प्रयोग होता है। ठीक है, देखो आगे बढ़ेंगे, देखो क्या आता है। अब ये अब जो है हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब अब हम जानेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जानने के लिए अब हमें थोड़ा सा जो है कि हल्का हल्का दिमाग लगाते चलना होगा। अब देखो जैसे कि हम कोई भी जो है कि सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो वो सेंटेंस जो होता है उसे हम जो है कि एक जैसे कि उसके ये किसके अनुसार होता है, फिलहाल छोड़ो अभी मैं बता रहा हूँ। देखो ध्यान दो, क्या होता है, जो कोई भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो वो क्या होता है, एक हो जाता है कि अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है, और एक एक क्या होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है। और उसी का जो है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव एक बोला जाता है, लेकिन उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव न कह करके हम जो इसे सेकेंड इंट्रोगेटिव कहेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, एक कौन सा, एक हो जाएगा अफर्मेटिव, एक एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव। ठीक है, जिसमें निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द जुड़ जाता है वो नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव जो सीधी सीधी बात हम बोल देते हैं, ठीक है, एकदम सही, एकदम आराम से, जो एकदम सीधी सीधी बात बोल दिए, मतलब क्या बोल दिए कि वह लड़का है, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात, वह रोज हमारे घर आता है, ठीक है, ऐसे हम बोल दिए, सिंपल सी बात बोल दिए, तो वो क्या हो गया, सकारात्मक, मतलब उसे सकारा एकदम, जिसे आदमी सहज स्वीकार कर लेगा। ठीक है, ऐसी बात बोल दिए तो क्या हो गया, वो क्या बोल दिए, अफर्मेटिव बोल दिए, समझ में आया। अब जो है कि नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा कि नहीं शब्द, वो हमारे घर नहीं आता है, ठीक है, मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसे नहीं वाला जो शब्द हो जाता है, जो सेंटेंस हो जाता है, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और उसके बाद से क्या होता है, इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट है उसे हम क्या शब्द पहले वाला बोलते हैं, मतलब हम कह दिए क्या तुम खाना खाते हो, ऐसा कुछ पूछ दिए, क्या तुम उसके घर जाते हो, ऐसे क्या शब्द, क्या से स्टार्ट कर दिया, मतलब क्या शब्द पहले जब आ रहा है। ठीक है, क्या शब्द से जब हम स्टार्ट करते हैं किसी सेंटेंस को, तो वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव बोला जाता है। ओके, ये समझते चलना, माइंड में सेटअप करते चलना। ठीक है, नहीं होगा तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लो फिर से एक बार, इसी को एक बार बैक करके इसे सुन लो फिर से दोबारा, जिससे कि माइंड में ये सेट हो जाए। ओके, बैक कर करके सुन लेना एक बार। ओके, चलो अब देखो क्या मैं बता रहा था, देखो अब फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या शब्द पहले आने पर, ठीक है, मतलब क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, ऐसे हम बोलिए, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, तो क्या क्या मैंने बोला ना, तो क्या जो मैंने शब्द बोला ये क्या हो गया, फर्स्ट इंट्रोगेटिव में आ गया। ठीक है, जब फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है तो मालूम ही तुम लोग क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का क्या क्या शब्द की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, क्या शब्द की अंग्रेजी हम न लिख कर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वहाँ से जो लास्ट वाली होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होती है, उस हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं शुरू में, करते हैं ना। ठीक है, चलो अब देखो सेकेंड इंट्रोगेटिव होता है, उसमें क्या होता है कि क्या शब्द वाले जो, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाले जितने शब्द हो जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो हो जाते हैं, मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब हो गया, जितने भी व्हाट, व्हेन, हाउ, ठीक है, हु, ऐसे जितने भी ये शब्द हैं मैंने लिखवा रखा है तुम लोगों को, ठीक है, वो जितने भी शब्द हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमें बीच में आते हैं। ठीक है, मतलब कि वह मेरे घर नहीं, क्यों नहीं आता है, वह मेरे घर क्यों नहीं आता है, ऐसे मैंने बोल दिया, वह तुमसे क्यों बात नहीं करता है, ऐसे मैंने बोल दिया, तो क्या हो गया, ये क्यों शब्द कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है कि स्टार्टिंग में आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, बीच में आ रहा, तो वही बीच में, जब बीच में आ रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, सेकेंड इंट्रोगेटिव है, क्या है, सेकेंड इंट्रोगेटिव है। ओके,
चलो ये समझ में आ गया, बस अब इस ये चीज़ समझ में आ गया। अब जो है यहाँ से थोड़ा समझते चलना है और वहाँ लिखते चलना है, क्योंकि यहाँ पे उसका रिलेशन हल्का सा है, हल्का सा रिलेशन है उसका, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब मैं जो ये पूरा मैं जब याद कर लोगे ना, जब उसके बाद से मैं सबका जो है कि पार्ट वाइज मैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग पढ़ाऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट अलग पढ़ाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट को अलग पढ़ाऊंगा। ओके, अब ये जो जब हम सब पूरा पढ़ लेंगे ठीक है, अब उसी तरह फिर क्या होएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस ठीक है, या फिर हम प्रेजेंट का पूरा पढ़ा देंगे, पास्ट का पूरा और फ्यूचर का पूरा, इस तरह करके मतलब ये क्या हो जाएगा, कितने टेंस बन जाएंगे, ये 12 टेंस पूरे बन जाएंगे ठीक है। तो 12 टेंस को हम पढ़ेंगे फिलहाल जो है, इतना हमें ये जितना है इसका मैं अब हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है और अच्छे से उसे याद कर लेना ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा जो है कि माइंड लगाना और ये हेल्पिंग वर्ब भी पूरा याद हो जाएगा ठीक है। वर्ब तो याद हो गया ना, वर्ब पूरा याद हो गया ठीक है, और हिंदी पूरा याद हो गया। अब रही बात किस चीज़ की, अब हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देते चलना ठीक है। हेल्पिंग वर्ब देखो क्या है, मैंने क्या बताया, अफर्मेटिव, निगेटिव और फर्स्ट इंटरोगेटिव और सेकंड इंटरोगेटिव, बताया ना सेंटेंस कितने कितने तरह के हो जाएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एंड सेकेंड इंट्रोगेटिव, ओके 4 हो जाएंगे। इन चारों को मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, इन चारों में किसमें क्या प्रयोग करना है, तो ये देखना, ये AFF मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब अफर्मेटिव ठीक है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव अगर सेंटेंस रहेगा उसमें जो है हम हेल्पिंग वर्ब, देखो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो अफर्मेटिव में हम जो है क्या करते हैं, वर्ब के जो है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, वर्ब में यस या ईएस प्रयोग करेंगे ठीक है। अब हम कहाँ यस प्रयोग करेंगे, कहाँ ईएस प्रयोग करेंगे, इसे मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे बस वैसे जो है हेल्पिंग वर्ब को याद करते चलो, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग होगा, वर्ब में यस या ईएस प्रयोग होगा अगर क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो ओके, जब रहेगा तो। अब देखो एक चीज़ और ध्यान दो, अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब में यस या ईएस, लेकिन अगर निगेटिव वहीं आ गया ठीक है, निगेटिव अगर आ गया, क्या निगेटिव निगेटिव अगर आ गया या फिर निगेटिव से आगे, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर सेकेंड इंट्रोगेटिव, ओके ये सब आ गया, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या प्रयोग करेंगे, डू या डज प्रयोग करेंगे ठीक है, डू या डज प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखो अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी जब मैं इसका टेंस बताऊंगा ना उस समय सब समझ में आ जाएगा पूरा, जब मैं सब एकदम अंदर जाके सब में मैं जब बताना स्टार्ट करूंगा तो पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो फिलहाल यहाँ देखो अब क्या हो गया, ये अब देखो ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ आएंगे पास्ट में, तो पास्ट में चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो सेकेंड इंट्रोगेटिव हो, इसमें सब में क्या प्रयोग होता है, डिड प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में ओके। अब देखो इसमें क्या प्रयोग होता है, विल, विल या शैल प्रयोग होता है, तो विल या शैल में तो जानते ही हो विल कहाँ प्रयोग होता है और शैल प्रयोग कहाँ होता है। देखो ध्यान दो एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे अफर्मेटिव में ये जो यस या ईएस प्रयोग करना है इसमें थोड़ा ध्यान देना कि जब भी क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट, याद है तुम लोगों को सिंगुलर सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर मतलब जिसमें क्या होगा, सिंगुलर मतलब हिंदी होगा था क्या, एक वचन मतलब एक आदमी की बात हो ठीक है, एक आदमी की बात हो उसमें वो वाला है ही सी इट नेम ठीक है योर ब्रदर, ऐसे मैंने लिखवाया है ना पूरा ही सी इट नेम योर ब्रदर, ये जो 5 हो गए सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्ट में जो है ये 5 सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इन 5 सब्जेक्ट के साथ में ठीक है जब अगर वर्ब में यस या ईएस प्रयोग करेंगे, अब वर्ब में क्या देखेंगे कि हम यस या ईएस प्रयोग करेंगे ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा समझ लेना। देखो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में मैं यहाँ बताता हूँ क्या आएगा, ओ आ जाएगा, सी एच आ जाएगा, एक्स आ जाएगा ठीक है, एस आ जाएगा ठीक है, एस हाँ ठीक है ना, ये जो है ये याद कर लेना थोड़ा सा, और कुछ और शब्द हैं आपको, कुछ और अक्षर हैं उनको ध्यान देना, जैसे कि देखो क्या होगा, गोज, जी ओ, गो हुआ ना, इसमें क्या प्रयोग कर देंगे हम, ई एस प्रयोग करेंगे ठीक है, ई एस प्रयोग करेंगे, ई एस हम इस ये देखो ये मैंने लिखा ना इसके साथ में हम ई एस प्रयोग करते हैं, मतलब लास्ट वाला जो अक्षर आएगा वो ये अक्षर आएगा तो हम ई एस प्रयोग करेंगे, मतलब जो वर्ब होगा, मानो कि मैंने क्या लिखा, गो लिखा, तो जी ओ आया ना, ओ वाला अक्षर यहाँ मैंने लिख रखा है, वो अगर आ गया तो क्या लगाएंगे हम, ई एस लगा देंगे ठीक है। अब ये ई एस हम लगाएंगे कब, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग रहेगा, मतलब वह घर जाता है, वह घर जाता है तो ही गोज टू हाउस, ऐसे होगा ना, ही गोज टू हाउस, ऐसे होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान देना है ये चीज़ ध्यान दो, क्या चीज़ क्या बोला,
ही बोला था, ही क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तब हम क्या करेंगे, गोज लगाएंगे, जी ओ ई एस लगाएंगे, मतलब गो के साथ में ई एस हमने प्रयोग किया। अगर यही क्या होगा, कह दें कि तुम घर जाते हो, मतलब यू गो टू हाउस। अब देखो यहाँ गो टू प्रयोग होगा, गोज टू नहीं प्रयोग होगा, ठीक है, गोज टू प्रयोग नहीं होगा, क्या प्रयोग होगा, गो टू प्रयोग होगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात ये, ठीक है, कहाँ प्रयोग होगा कहाँ नहीं प्रयोग होगा ये समझ में आ गया ना, मतलब सिंगुलर रहेगा। यू क्या है, आई वी दे यू राम एंड श्याम, ये पांचों क्या है, आई वी दे यू राम एंड श्याम, ठीक है, ये पांचों क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और सिंगुलर क्या होता है, ही सी इट नेम योर ब्रदर, ठीक है, ही सी इट नेम योर ब्रदर, ये क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। सिंगुलर के साथ में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब ईएस तो समझ में आ गया ना, ईएस अगर यही कुछ और रहता, मान लो जैसे मैंने क्या कह दिया, ड्राइव बोल दिया, क्या, ड्राइव, डी आर आई वी ई, ठीक है, ड्राइव मैंने बोल दिया, ठीक है, ड्राइव मतलब चलाना होता है, तो ड्राइव्स हो जाएगा, क्या लगेगा, केवल यस लगेगा, ठीक है, इसके साथ में केवल यस लगेगा, समझ में आ गया। मतलब देखो यहाँ पे ओ सी एच एक्स एस, इसमें कुछ आया था क्या, यहाँ पर कुछ आया था क्या अंत में, नहीं आया था, क्या आया था, ई आया था, जब ई आया था तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे केवल यस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ड्राइव्स हो जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर, मतलब ये क्लियर होगा कि नहीं हुआ, अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर इसे जो है कि पूरा सेपरेटली मैं इसे समझाऊंगा ही, फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दिया कि समझने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। ई एस कहाँ पे लगाना हमें, ई एस जब मैं कराऊंगा इसका, जब टेस्ट बनवाऊंगा उस समय सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी तो हल्का फुल्का जो है कि बस ध्यान देते चलना ये चीज़ें, ठीक है, याद हो जाने चाहिए, थोड़ी बहुत माइंड में रहनी चाहिए ये चीज़ें कि जब मैं बताऊँ उस समय अच्छे से याद हो सके, ओके, चलो इसे मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। फिर देखो यहाँ पे, अब देखो ये डू या डज है, तो क्या डू जो है कहाँ का प्रयोग होगा, जहाँ पे ई एस प्रयोग होता था, ठीक है, ई एस या एस प्रयोग होता था ना, यस या ई एस, वहाँ पे क्या प्रयोग होगा, देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजन में आएगा तुम्हें, देखो क्या करना है, ये जो डज दे रखा है, डज सिंगुलर के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू, समझ में आ गया, यस या ई एस वाला जो प्रयोग होता था किसके साथ, सिंगुलर के साथ, तो डज प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा, प्लूरल के साथ में डज प्रयोग हो जाएगा, डू हो जाएगा प्रयोग, सॉरी डू प्रयोग होगा, प्लूरल के साथ में डू और सिंगुलर के साथ में डज, ओके, समझ आ गया, चलो आगे देखते हैं। ये आया डिड, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो किसी के साथ, सबके साथ में क्या मारना है, डिड मार देना है। यहाँ देखो विल या सेल दे रखा है, तो विल और सेल का प्रयोग तो मैं पढ़ा रखा हूँ ना, विल और सेल का पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पीछे पढ़े थे तुम लोग इसके, जस्ट अभी जो पूरा ट्रांसलेशन किया हुआ ना उसमें पढ़ाया था मैं विल और सेल, तो विल का प्रयोग हम कहाँ करते थे, विल का सभी के साथ में, आई और वी, मतलब दो शब्द जो सब्जेक्ट होता है, आई मतलब मैं और वी मतलब हम लोग, ये दो सब्जेक्ट होते हैं, ये नहीं दिख रहा शायद, मैं ऊपर ज़्यादा लिख दिया इसे, अरे ये भी ऊपर ज़्यादा लिख रखा हूँ क्या यार, नहीं दिख रहा था सब, मैं केयर नहीं किया हूँ, चलो इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख रखा था वो समझ नहीं आ रहा होगा सबको, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ देखो ओ, ठीक है, ओ यस यच, ठीक है, यस यच यस एक्स और सी एच, ठीक है, इन पांच जो ये पांच जो दिख रहा है, इन पांचों के साथ में क्या प्रयोग होता है, इन पांचों के साथ में ई एस प्रयोग होता है, ई एस, ठीक है, जो मैं अभी ऊपर लिख रखा था, जैसे कि गो ओ वाला आ गया तो ई एस, यहाँ पे ई एस लग जाएगा, तो गोज अभी सिंगुलर के साथ में, ठीक है, अगर प्लूरल होता तो केवल गो होता, ठीक है, और वही ड्राइव से हम ड्राइव करेंगे डी आर आई वी ई, तो ड्राइव के साथ में क्या लगेगा, केवल यस लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई आ रहा है, हमने ई इसमें कहीं नहीं लिखा है, ये मैं बताया था अभी, ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान दो, यहाँ क्या है, विल है और यहाँ पे सेल है, तो विल, अब देखो विल कहाँ पे, जो सेल प्रयोग होता है वो आई और वी के साथ, मतलब आई जो सब्जेक्ट पढ़े हो ना, आई मतलब मैं और वी मतलब हम लोग वाला, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट पढ़े इनके साथ में क्या प्रयोग होता है, सेल प्रयोग होता है, ठीक है, आई और वी के साथ में सेल प्रयोग होता है और बाकी के साथ में विल प्रयोग होता है, ये मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक है, और बोलचाल की भाषा मतलब कुछ हम इंग्लिश अगर बोल रहे हैं कहीं, मानो नहीं इंग्लिश स्पीकिंग जो इंग्लिश मैन वगैरह हो, जैसे कि अंग्रेज जो होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं वो कभी कभी आई के साथ में विल का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, इससे कन्फ्यूज मत होना, कहीं लिखा हुआ अगर मिल जाता है तो परेशान मत होना,
लिखने के लिए देखो, लिखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, आई शैल प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन बोलने के लिए हम कभी कभी आई विल का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। इससे परेशान मत होना, ठीक है, कभी अगर मिल जाता है तो। चलो ध्यान दो, अब देखो ये समझ में आ गया ना इतना। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं, ये समझ में आ गया ना किसके साथ में, किसके साथ में प्रयोग होगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ में, आई और वी के साथ में ये, बाकी जो भी हो गया सिंगुलर हो या प्लूरल हो उन सभी के साथ में क्या, विल, ठीक है। और आई और वी के साथ में, केवल और केवल आई और वी के साथ में क्या, सेल प्रयोग होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, अब आ गए कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में ना सिंपल सी बात, इज एम और आर, ठीक है, इज एम आर प्रयोग होता है, समझ में आ गया, इज एम और आर, ओके। आगे बढ़ोगे इसमें क्या हो जाएगा, वाज और वर, ठीक है, वाज वर, ओके। और जब इसमें आओगे क्या हो जाएगा, विल बी, विल बी, बी ई लग जाता है, ठीक है, विल बी और शैल बी, यस यस, ए डबल एल बी, विल बी शैल बी। अब देखो तो सेम वही कंडीशन, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इज तो जानते ही हो कहाँ प्रयोग होता है, एम तो जानते ही हो कहाँ प्रयोग होता है, सिंगुलर के साथ में इज, प्लूरल के साथ में आर, और केवल आई के साथ में एम प्रयोग होता है, सिंगुलर के साथ में वाज, प्लूरल के साथ में वर, मालूम ही है तुम्हें, ठीक है। विल भी कहाँ प्रयोग करते हैं, सेल भी, अभी मैंने जस्ट बताया यहाँ पर विल सेल को, बस उसमें क्या करना है, बी शब्द को जोड़ देना है, बी ई शब्द जो लिखा है यहाँ, बी ई वही शब्द जो है जोड़ देना है, समझ में आ गया। अब देखो आगे आगे बढ़ोगे, ये तो आसान था, ये वाला तो वैसे ही आसान था, अब आगे बढ़ोगे तो इसमें आएगा तुम्हें हैज, हैव, हैज, देखो जो पढ़े हुए इसके पहले ना एकदम सेम वही सब चीज़ें आएंगी, थोड़ी सी तुम्हें याद रखने के लिए बस यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। हैज, हैव, हैज और हैव तो जानते ही हो कहाँ प्रयोग होना चाहिए, हैज कहाँ प्रयोग होगा, सिंगुलर के साथ, हैव कहाँ प्रयोग होगा, प्लूरल के साथ, ठीक है। और इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, सभी के साथ में क्या लगाना, हैड लगाना, ठीक है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर क्या होगा, विल हैव, ठीक है, विल हैव, ठीक है, और विल हैव और शैल हैव, यस यस, ए डबल एल हैव, विल हैव शैल हैव, क्या, विल हैव शैल हैव, समझ में आया, ये समझ जाएगा ना। हैज कहाँ, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ में हैव, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ में हैड, और ये क्या है, विल हैव, तो विल हैव कहाँ प्रयोग करना है और शैल हैव कहाँ प्रयोग करना है, मालूम है, विल शैल कहाँ प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, तो आई और वी के साथ में ही सेल हैव का प्रयोग करेंगे और बाकी सब के साथ में विल हैव प्रयोग करेंगे, ओके। अगर फ्यूचर वो क्या हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तब, ओके। चलो आगे देखते हैं, अब ये जो लास्ट वाला है इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हैज है, हैज हैव है ना, यही सब रहेगा, लेकिन थोड़ी सी जो है कि चेंजिंग इसमें आएगी, इसमें चेंजिंग क्या आएगी ये ध्यान रखना है आपको, कि देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीन शब्द जुड़ जाएगा, एकदम सेम यही रहेगा, हैज हैव रहेगा लेकिन बस बीन शब्द जुड़ जाएगा, मतलब क्या है ये, मतलब ये कंटिन्यूअस कर रहा है, ये परफेक्ट तो है ही बट उसके परफेक्ट साथ में कंटिन्यूअस रख रहा है, तो यहाँ पे बी जैसे मैंने प्रयोग कर रखा था ना, यहाँ वाला ये बी शब्द, बी ई मैंने प्रयोग किया था, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, बी ई नहीं प्रयोग करना, बी डबल ई एन प्रयोग कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज या हैव, हैज या हैव ही इसमें प्रयोग करना है, लेकिन प्लस में क्या कर देना है, बी डबल ई एन प्रयोग करना है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, दिख रहा है ये अच्छे से, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैज और हैव प्रयोग होगा लेकिन उसके साथ में बीन शब्द का प्रयोग कर देना है, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। ये देखो यहाँ प्लस मैंने लिख दिया, मतलब हैज बीन, हैव बीन दोनों है, बस ऐसे मैंने लिख दिया शॉर्ट में। अब देखो टाइम दिया रहेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आए हुए तो क्या हो जाएगा, वही चीज हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आओगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है, एकदम सेम यही होगा, विल, ठीक है, विल हैव, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं दिख रहा, सही अच्छे से दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, विल हैव, विल हैव या शैल हैव, ए डबल एल
will have been, क्या will have been, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दिया, प्लस बी डबल ई एन, समझ लेना यहाँ पे, ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म था यहाँ पे, वर्ब का फॉर्म तो लिखा है तुम लोगों ने, वर्ब का फोर्थ फॉर्म से पूरे होता है, वो थोड़ा छूट गया था, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे विजिबल हो रहा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चलो यहाँ देखो ये चीज़ इसमें समझ में आ गया ना, चलो ये चीज़ क्या था, अब पूरा समझ में आ गया ना, अब किस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा, अब यही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो गए, समझ में आ गया, केवल यही एक था जिसमें थोड़ा सा कंक्लूजन कर रखा था, क्या क्या कर रखा था यहाँ पे, क्या कर रखा था यहाँ पे, अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात कर रखा था, ये सब है अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, सब में जो है कि यही सब प्रयोग होता है, ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग नहीं करता, ओके, अगर आगे बढ़ेंगे तो, आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाला क्या विल हैव, क्या सॉरी विल हैव नहीं विल बी, ठीक है, विल बी आएगा, तो मानो अगर निगेटिव में जाओगे तो विल, विल क्या है हमारा, विल जो है कि हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और बी तो हम साथ में जोड़ रहे हैं, तो विल नॉट बी प्रयोग करेंगे जब निगेटिव में जाएंगे, तो वो धीरे से जब मैं समझाऊंगा उस समय प्रयोग समझ में आ जाएगा, ठीक है, बट अभी देखो, अब देखो एक चीज़ और, ये पूरा समझ में आ गया हो तब एक चीज़ और रूल ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि देखो क्या ध्यान देना है कि कोई भी ट्रांसलेशन होगा, कोई भी जो सेंटेंस होगा उसे बनाने का तरीका, बनाने का तरीका एक भोजपुरी सी मॉडल कर सकते हैं या फिर जो भी तुम अपने मन से समझ लेना, ठीक है, इसे भोजपुरी में याद रखो, थोड़ा याद रहेगा, क्या सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला सबसे अंतिम, कहाँ सबसे पहला सबसे अंतिम, फिर उल्टा और से धीरे 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 बिटोरते चले जाना है, ठीक है, बिटोरते हुए, बिटोरना सब समझते हो ना, बिटोरना पूरा एकदम बटोरना सहोरना बटोरना, वही चीज़ में प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या करना है सबसे पहला फिर सबसे अंतिम फिर लास्ट से धीरे धीरे बिटोरते हुए चले आना है, ठीक है, समझ में आ गया, ये मैं अब ये जो टॉपिक है ये टॉपिक मैं कल वाली वीडियो में समझाऊंगा आगे, ठीक है, ये जब मैं इसके आगे मैं सबको पढ़ाऊंगा, ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही, और ये पूरी की पूरी ट्रांसलेशन सबको अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए, ठीक है, और ये जब तैयार हो जाएगा तभी आगे की चीज़ें अब जो है कि समझ में आएगी, अगर कुछ अभी कमी रह गई है, अभी समझ में नहीं आया है तो फिर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूँगा, उस समय सब बता देना, ठीक है, पूछ लेना मुझसे कुछ प्रॉब्लम होगी तो, अगर अगर जो है कि कुछ कंक्लूजन कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि आपको जो है कि समझ में आ गया, ठीक है, फिलहाल अब वीडियो इतना ही रहेगा, और अब जो है कि शाम को सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, और फिर उस समय जानेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और पूरा जो है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा उसे हम डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक्स।